हाथ लगाना भाई, हाथ लगाना। नाजरीन, हम अपने ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है, मुझे कोई सही लड़की नजर नहीं आ रही। देखिए, मैंने बहुत बहुत आस लगा के मैंने आप लोगों को रोका, मेरा सवाल प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, यकीन करें इतने खुश अखलाक लोग मिलते हैं तो। मैंने बोला इतने खुश अखलाक लोग मिलते हैं तो करिए चलिए। मेरा एक बहुत आसान सा सवाल है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। देखिए, बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत आसान सवाल है, अगर आप जवाब देना चाहें। हाय यार, आज यौम बेइज्जती है, कोई भी नहीं रुक रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत उदास हो गया था, मेरे सवाल का जवाब मिलेगा भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों को मैंने देखा तो मुझे पता लगा कि मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल जाएगा। सवाल क्या? जल्दी सवाल बताओ छिछोरे। अस्सलाम वालेकुम मैम, यकीन करें मैं मांगने वाला नहीं हूँ, वक्त ने मजबूर कर दिया, थोड़ा सा पास आ जाए ताकि ट्रैफिक आपको तंग ना करे। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे सवाल का जवाब तो दे दें, आप भी लड़कियों की तरह शर्मा रहे हैं। नाज़रीन, ये लड़के पति क्या फर्रे वर्रे बना के आ रहे, कह रहे वही तूने बताया नहीं, तू सारे इलाके में इतना बनता है, यहाँ तू बता देना को कोई बिना जहीन लोगों कैसे बिताए। अस्सलाम वालेकुम, क्या है बॉय? सर बोतल नहीं, गधे वाला नहीं पूछना, गधे वाला आप नहीं, गधे वाला सवाल नहीं पूछना। बहुत छोटा सा सवाल है, अगर आप उसका जवाब दें, अगर आप उसका जवाब दें तो आपको नहीं पता आपकी ज़िंदगी में आपको क्या क्या हासिल हो जाएगा। मेरा आपसे ये सवाल है, अरे सुने तो सुने। अस्सलाम वालेकुम सर, यार सलाम का जवाब तो दे दो, मैंने बोला अस्सलाम वालेकुम, बराबर वाले को बोले हुए तू जवाब दे, मेरी इससे बोलचाल बंद। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि एक आदमी तेज़ बारिश में घर से बाहर निकला लेकिन उसके सर का एक भी बाल गीला नहीं हुआ, क्यों? छतरी लिए भी नहीं सर, बहुत गरीब था बेचारा। क्या शलवार कमीज में गबरू जवान मिला है भाई? यार मुझे ये बताओ कि एक आदमी तेज बारिश में घर से बाहर निकला और उसके सर का एक भी बाल गीला नहीं हुआ, कैसे? मेरा आपसे ये सवाल है, आप मुझे दूर से जहीन लगी। आपका नाम क्या है? मुसफ़ा अमीन। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, अलग और मुश्किल नाम है। मेरा आपसे ये सवाल है, क्या मुझे मारने आ रहे हैं यार आप ऐसे? मैंने बोला उस्ताद इसको रोक ही लोगे, जल्दी में नहीं था, आप थोड़ा सा बदमाशी में थे, है ना? शाहिद कपूर, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है शाहिद कपूर। शाहिद कपूर भाई नहीं, शाहिद कपूर नहीं, नहीं यार माशाल्लाह इतने गुड लुकिंग हो के मुझे शाहिद कपूर लगे। अच्छा ठीक है, मेरा आपसे ये सवाल है कि एक आदमी तेज बारिश में घर से बाहर निकला लेकिन उसके सर का एक भी बाल गीला नहीं हुआ, क्यों? छतरी लेके निकला होगा। नहीं ऐसा ही निकला है। बहुत जहीन लोग आ रहे हैं यहाँ पे। जी 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 जी, अच्छा जहीन ये है आप दोनों में, अरे मैं शक्ल पढ़ लेता हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है, एक आदमी, अरे मुझे देखो मुझे छेड़नी है, देखे एक आदमी जो है तेज बारिश में घर से बाहर निकला लेकिन उसके सर का एक भी बाल गीला नहीं हुआ, कैसे? अम्ब्रेला होगी उसके पास। नहीं, एक आदमी तेज बारिश में घर से बाहर निकला लेकिन उसके सर का एक भी बाल गीला नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि माइंड में सर पे कुछ पहना होगा। नहीं ओके व्हाटएवर। अरे एक आदमी तेज बारिश में घर से बाहर निकला और उसके सर का एक भी बाल गीला नहीं हुआ, कैसे? रेनकोट पहना होगा। नहीं, छाता नहीं था उसके पास। अच्छा भाई कोई हेल्प कर दो यार, कोई हेल्प कर दो सर, आप जो तक लड़के जमा करें। यार मेरा आपसे ये सवाल है कि एक आदमी तेज बारिश में घर से बाहर निकला, उसके सर का एक भी बाल गीला नहीं हुआ, कैसे? मुझे क्या पता, छतरी की वजह से। नहीं ऐसा ही निकला, छतरी नहीं थी उसके पास। तो उसने छतरी नहीं थी उसके पास, ऐसा ही बक्सा रख दिया होगा अपने। अबे सर पे बक्सा रख दिया यार पागल, अबे क्या बातें कर रहे हैं। फिर आप बताएं, सोचे दिमाग लगाएं अपना। मेरी माँ ने कहा था कि बेटा जो हरे लड़के हरा कलर जो पहनती है ना वो लड़की जहीन होती है। अब आपने हरा कलर पहना हुआ तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कैसा स्काई ब्लू है जो हरा नजर आ रहा है? मैम मेरा आपसे ये सवाल है कि एक आदमी तेज बारिश में घर से बाहर निकला और उसके सर का एक भी बाल गीला नहीं हुआ, क्यों? हेलमेट पहना हुआ होगा। अरे लोग तो बाइक पे हेलमेट नहीं पहनते, ऐसे कौन बेचारा हेलमेट पहन के जाएगा? आप जैसे जवान हमारे प्रोग्राम में आए तो क्या बात है। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि एक आदमी जो है तो तेज बारिश में घर से बाहर निकला लेकिन उसका एक भी बाल गीला नहीं हुआ, सर का क्यों? छतरी थी। नहीं सर, बहुत गरीब आदमी था, छतरी नहीं थी उसके पास। थैली थी प्लास्टिक। नहीं थैली भी नहीं चढ़ाई प्लास्टिक की। सर अंदर क्या वलीमा वलीमा हो रहा है? सर अंदर वलीमा हो रहा है क्या? आप पहन दो सोचो। नहीं जवाब ही इसका। अबे वो गंजा था। You should have umbrella. क्योंकि वो गंजा था। अरे भाई अम्ब्रेला होगी इस वजह से। नहीं होगी पास। नहीं फिर क्योंकि वो गंजा था। आप कुछ खाएं भाई। नहीं छतरी ली होगी उसने। अरे नहीं ली थी, मैं वहीं खड़ा हुआ था पीछे। नहीं नहीं छतरी थी उसके पास, मैं भी उसके साथ ही थी। नहीं वो गंजा था। बोलो बड़े, मैं तो पत्री क्या क्या गलत पढ़ लेता हूँ। अच्छा ठीक है, मेरा आपसे ये सवाल है कि एक आदमी तेज बारिश में घर से बाहर निकला लेकिन उसके सर का एक भी बाल गीला नहीं हुआ, कैसे? क्योंकि वो गंजा होगा। क्योंकि वो गंजा था, यकीन करे आपने छुट्टे जवाब दे दिया, नहीं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो गंजा भी गीला हो जाता है, बाल गीले हो जाते हैं। छतरी लिया अम्ब्रेला लिया। बहुत गरीब आदमी था, छतरी नहीं थी उसके पास।
बिल्कुल सही बिल्कुल सही। छतरी लेके निकला होगा ना? नहीं छतरी नहीं थी उसके पास, गरीब का बेचारा। टोपी पहना होगा? टोपी भी नहीं पहनी हुई, टोपी बहुत गरीब का, टोपी भी नहीं, बाली नहीं होंगे। हाँ तूने सही पकड़ा, जा जी जी जा, इतना पढ़ किताबें खत्म कर दे जा। सर एक आदमी तेज बारिश में घर से बाहर निकला लेकिन उसके सर का एक भी बाल गीला नहीं हुआ, क्यों? वो गंजा था। She's right, he's right. सर मेरा आपसे ये सवाल है कि एक आदमी तेज बारिश में घर से बाहर निकला लेकिन उसके सर का एक भी बाल गीला नहीं हुआ, क्यों? गंजा था ना। ठीक है यार, सही है, जाऊं? सही जाओ। मैम मेरा एक बहुत, मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी अगर आप इस बात सवाल का जवाब दे दें। मैं काफी टाइम से सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ कि एक आदमी तेज बारिश में घर से बाहर निकला लेकिन उसके सर का एक भी बाल गीला नहीं हुआ, क्यों? वो गंजा था। शी इज राइट, वो गंजा था। नाज़रीन नहीं, मैं लंगर लूटने नहीं जा रहा, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ।